नमस्कार, क्लासिक 24 ऑनलाइन टीवी चैनल के आज के हमारे इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड और देखते हैं लेटेस्ट इंस्टेंट अपडेट्स शहर उल्हासनगर के। हर साल की तरह इस साल भी सिंधियों के महापर्व चेटीचंड के उपलक्ष्य में राजू जग्यासी ग्रुप की तरफ से निकाली गई शहर उल्हासनगर में भव्य रैली, जिसमें शहर में मौजूद महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माला अर्पण की गई। आइए आपको दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां। उल्हासनगर जी वड़ी वड़ी जेके भी महान हसीन सब भाई राजू भाई सा गड हलंदी आइन ए असन जुलार मल्ली पण इन सा गड मेले में हलंदी आई ए मां लाल सिंधर ए आई प्रार्थना कंदुम हर साल जी असन जो भाई राजू सभी प्रेमियों से गड़ी करे सेवा कर दो अगते भी कंदो इंदो लाल साईं ने या शक्ति दिंदो ए आयो लाल सवई चो जुले लाल मां सभी ता के बुधान चाहिंदुम तही 10 साल है असन जो असन सभी संतन महात्माओं जे पुतलन ते वही करे उनके फूल मालाओं अर्पण करण उनके दूपवास करण उनका आशीर्वाद वठण उनमें असांजे शहर जा सुहणा सिंधी खास करे मां भाऊ जिन असांजे भाऊ लीलाराम साहब जो मां तह दिल से शुक्रगुजार आयां जो वो एडी सिक और प्रेम असांके दींदा आहिन और एक सड ते असांसा गड अची बीहंदा आहिन ए नफकत बीहंदा आहिन पर असांसा गड हलंदा आहिन और लाल साईं जे भजन ते पाण असांसा झूमंदा हलंदा आहिन उनसा गड गड असांजी पूरी टीम तां जेके दिसो था असांसा सर असांजो वडो भा रमेश आहूजा चओ धर्मवारी पंचायत चओ सिंधु यूथ सर्किल चओ जेके भी शहर जो संस्थाओं आहिनि कंहिंजा नाला खणी मां कंहिंजा नाला खणा सब हिन कार्य के पंहिंजो कार्य समझी करे हलंदा आहिनि ऐं जीअं भाऊजन मूंखे आसीस कई मां चवंदुमि त इहो प्यार ऐं सिक हमेशह तव्हां सभिनी जो मिलंदो रहे जीअं असां हीअ सेवा कंदा रहूं ऐं लाल साईं जी आसीस हमेशह जीतंदा रहूं। आयो लाल चओ झूले लाल। अॼु जो हीउ प्रोग्राम जेको आहे पुतलनि जी सेवा उहा राजू जग्यासी ग्रुप ऐं ॿियूं केतिरियूं संस्थाऊं मिली करे ही कनि था। पिछले 9 सालनि खां ही तमामु सुठो कार्य कंदा रहनि था। मूंखे यादि आहे जॾहिं राजू भाई हीअ ज़िमेदारी खई हुई त पहिरें साल क़रीब क़रीब 20 ॼणा या 25 ॼणा हुया, अॼु त उहो हज़ारनि में वञी करे माण्हुनि में जेका प्रेरणा ऐं सुजागी आई आहे उन्हनि जो बि तमामु मां धन्यवाद कंदुमि। हीअ जेका सेवा कनि था सचुपचु सराह जोगी आहे। ¡Gracias!
साल की तरह इस साल भी राजू जगियासी ग्रुप जैसे परंपरा रहती है, सभी पुतलों को उनको सजा के उनको संवार के फूल मालाएं से उनका स्वागत करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो अपने भगत कराम स्टेचू से लेके शिवाजी के स्टेचू या जितने भी शहर के स्टेचूज है वहाँ पे उनको साफ सफाई करके उनको सजावट करके उनको फूल माला पिला के उनको हमेशा याद करते हैं। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, पूरे ग्रुप को। ये जो परंपरा चालू रखी है हमेशा चालू रखे। जय हिंद, जय भारत। कल्याण सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन और थारवानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने मिलकर कल्याण खड़कपाड़ा के थारवानी सर्कल परिसर में चेटीचंड मेला का आयोजन किया, जिसमें सिंधी कलाकार सरल रोशन और रोशनी टेकवानी ने अपने गीत संगीतों के साथ लोगों का मन मोह लिया। आइए आपको भी ले चलते हैं इसी कार्यक्रम की ओर। आयो लाल सभी चो झूलेलाल। कल्याण सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ पे मनाया जा रहा नया साल, मंच पे उपस्थित सभी महानुभव, उपस्थित भाई और बहनों, चेटीचंद सभी न सिंधियों के नए साल जो लख लख बधाई
झूलेलाल जी कृपा सा सब सिंधी आबाद और खुशहाल हो जाए। मुझे कभी कभी विविधता में जो भारत में एकता दिखती है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है। अभी नया साल आप सिंधी समाज, सिंधी भाई लोग मना रहे हैं। हर एक समाज अपने अपने तरीके से त्योहार मनाते रहते हैं, तो ये सही मायने में देखा जाए तो भारत की एकता है। तो सभी त्योहार जो है भारत में भले अलग अलग मनाते हैं, लेकिन हम सब भारतवासी एक ही है। कल्याण ब्रैकेट में उल्लास नगर छो तो सभी सिंधी जगह 90% उल्लास नगर जी आयो वेलफेयर सिंधी जका तव एसोसिएशन ठाई है उन जो टियों साल लगातार चेटी चंड सिंधियों के नए साल के उत्सव जो तांखे करोड़ करोड़ अरब अरब वाधाई चवंदा आहिनि सिंधी जिते बि हुजनि शाद हुजनि आबाद हुजनि। नओं साल अॼु असांजो शुरू थी रहियो आहे हिन खिल ख़ुशीअ में मौज मस्तीअ में। साल जो पहिरियों ॾींहुं आहे। मां तव्हांखे असांजा मज़ूर महिमान आहिनि सभिनी खे आदरणीय नमस्कार करे कपिल पाटिल जी आहिनि हितां जो महापौर आहे ऐं ॿिया सभई असांजा जेके नगर सेवक कारपोरेटर गॾु आहिनि। मूंखे सिंधी हुअण ते फ़ख़ुरु आहे, गर्व आहे। मां उल्हासनगर नगर में रहां थी ऐं मां सिंधी आहियां ऐं मां उन ते ॾाढो फ़ख़ुरु महसूसु कंदी आहियां। हिकु दफ़ो वरी तव्हां सभिनी खे चेटी चंड जूं नए साल जूं लख लख करोड़ करोड़ अरब अरब वाधायूं। तव्हां लाइ यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है एक चंद्रमा अकेला। सभी लोगों को नया साल मुबारक हो। जैसे हमारा गुड़ी पड़वा वैसे अपना चेटीचंद, और सही माने में हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी परंपरा सब एक ही है। हम अलग अलग नहीं है, बराबर ना। हम हर साल इस त्यौहार में शामिल होते हैं, दूसरे के सम्मान करते हैं। सभी सिंधी भाइयों और बहनों को मैं तहे दिल से आपको आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सिंधी समाज के लोग कभी से आए, मतलब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले, बराबर ना, उल्लासनगर में और थाने में, कोपरी में, बराबर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंधी समाज के लोग, जैसे हम लोग मराठी इस महाराष्ट्र के भूमि पुत्र है, वैसे सिंधी समाज भी इस महाराष्ट्र का भूमि पुत्र बन गया है, बराबर है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं फिर एक बार बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। हरवानी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होता है और सभी लोगों को, सिंधी समाज के सभी लोगों को इकट्ठा, सिंधी समाज में सभी लोग आए, सभी समाज के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लाने का काम आप लोग करते हो। इसलिए मैं आप सभी लोगों को फिर एक बार बधाई देता हूँ, सभी लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और अपना चेटीचंद के लिए छुट्टी का मांग किया हम लोग, चेटीचंद के लिए एक दिन की छुट्टी महाराष्ट्र सरकार ने देनी चाहिए, ये भी मांग अभी शुरू हुई है। जल्दी से जल्द अच्छा निर्णय भी हो जाएगा। जय झूलेलाल। उल्हासनगर एक के मशहूर गोल मैदान परिसर में शहर के सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ने अपने विद्यार्थियों के साथ चेटीचंड मेला का आयोजन किया। इस भव्य मेले में शहर की कई गणमान्य हस्तियां पहुंची। आइए आपको भी दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां।
सदा सिंधू जी चोली मारवाड़न जी मिचड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जाना ये तैयारी जो है हमारे स्कूल में ही हुई। ये थॉट हमारे मैनेजमेंट डायरेक्ट मैनेजमेंट के जो मेन पर्सन हैं मिस्टर महेंद्र मूलचंदानी, उनके दिमाग में ये बात आई और उनको एग्जीक्यूट करने में उन्हीं का ही सबसे बड़ा हाथ है। ऑफ कोर्स बाकी सबका भी साथ है, उसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। हमारे उल्लासनगर के ही नहीं, बदलापुर के, अंबरनाथ के, न जाने कितने स्कूल्स, और मैंने न जाने इसलिए कहा कि नंबर इज़ नॉट यू कैन से बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर था जिन्होंने यहाँ पे पार्ट लिया। आपने खुद यहाँ पे देखा कॉलेजेस भी, न सिर्फ स्कूल बल्कि कॉलेजेस भी, और इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा कामयाबी दिलाई। और मैं सबके लिए, पूरी जनता का भी, और मैं अपने मैनेजमेंट का, पूरे सारे स्कूल्स का, सारे स्कूल के हेड्स का, टीचर्स का, और बच्चों का, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है उसके बावजूद भी अपना टाइम निकाला और यहाँ पे प्रोग्राम के लिए वो बिल्कुल हाँ रेडी हो गए, और उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पहले तो सभी उल्लासनगर वासियों के चेटीचंड जो वादा हूँ, मां उन्हें सभी स्कूलन, टीचर्स, मैनेजमेंट जी शुक्रगुजार आया जैसा कि इन प्रोग्राम के सक्सेस करण में साथ दिनों, जैमें न्यू इंग्लिश पेटॉक्स फॉर आरजीएस, सनराइज इंटरनेशनल स्कूल, झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल ए सीएचएम कॉलेज, कालानी कॉलेज, सभी गडजी मिली हथ सा 8 तारीख का कंटिन्यूस डे नाइट कम करे इन प्रोग्राम के सहयोग। अमेजिंग थिंग ऑफ दिस इवेंट वॉज के नॉन सिंधी स्टूडेंट्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड फॉर द इवेंट विच इज मेंट फॉर सिंधी, सो वी रियली क्लैप फॉर दोज स्टूडेंट्स बींग नॉन सिंधीज दे पार्टिसिपेटेड टूडे। And the entire credit, of course, goes to the Mahendra sir, because the theme he brought, the thought he brought, and everybody, all the schools supported him. Rotary Club of Vitthalwadi द्वारा उल्लासनगर 5 के चालिया साहिब मंदिर में चेटीचंड के उपलक्ष में बहराना साहिब का आयोजन किया गया। आइए आपको भी ले चलते हैं इसी कार्यक्रम की ओर और देखते हैं इसी की कुछ झलकियां। सिंधियों के महापर्व चेटीचंड के उपलक्ष में रोटरी मिडटाउन पार्क में रोटरी मिडटाउन सीनियर सिटीजन्स क्लब की तरफ से चेटीचंड मेला का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां।
उल्लासनगर 1 के लाड़काना हॉल में पूज्य कल्याणकारी पंचायत की तरफ से चेटीचंड मेला का आयोजन किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं इसी की कुछ झलकियां। हर साल असज कल्याणकारी पंचायत तरफा चेटीचंड में मल्हाईंदा आहियूं। हे असो घट में घट 50-51 साल थी गया जो अस वा मल्हाईंदा ईंदा हुआ असो उन परंपरा के हिसाब से अस चेटीचंड मल्हाईंदा ईंदा आहियूं मल्हाईंदा रहंदे। असि भाऊ जिन की आशीर्वाद आ दादा जिन की आशीर्वाद आ वो कार्य हर दफे क्या अगेरा ही क्या ये न भाई अच्छे एक अवल अगेरा ही अगेरा ही क्या कई भी गाली पंजा साल चालू है कम यो अस मेलो 50 सालन का मल्हाईंदा था अचूँ ए सिंधियत के सभी के जोड़ी करे व्यापारी सब गड़ी मिली करे सब अस पार में जुट थी इन ढी मेले लाए यह मुझी रिक्वेस्ट आ सभी लाए बया नंडा वड़ा सभी के अस मैसेज पहुँचाऊँ यंग जनरेशन वडन के सब अस मिली करे पेंजे सिंधियत के अग्या वधायूं। जय झूलेलाल। जय लाल सभी चो झूले ढी खुशी की गाल असर पुलिस कल्याणकारी पंचायत हर साल नित नेम प्रेम भाव से सब भावर दुकानदार ट्रस्ट गड़ी कर बहराणो साहब कटिंदा उन लंगर प्रसाद कहना ढो उन में उत्साह हों जो चेटी नए तो अच्छे पा में गड़ी कर बहराणो साहब कटाऊँ। मां लाल साईं दर ये प्रार्थना कदम हमेशा ये कार्य कंदा अचन अगे का भी अगुरो जो बहराणो साहब आ लंगर आ कंदा अचन लाल साईं इन मत हमेशा आशीष कौ मेहर कंड करोड़ करोड़ वादा। पिछली 14 वर्षों की तरह इस वर्ष भी विनोद तलरेजा ग्रुप की तरफ से आने वाली 31 मार्च को चेटीचंड के उपलक्ष में झूलण की जोत नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए आपको इसी की अधिक जानकारी देते हैं। ये मेलो मां 14 सालन खां लगाइंदो आया विनोद तलरेजा मित्र मंडल मुझा साथी गजी करे 14 सालन खां असां ये प्रोग्राम कंदा आहियूं। नवा नवा कलाकार भारत के अलग अलग कुंडन खां घुराए उनके प्रोत्साहित कंदा आहियूं। हिन दफ़े भी मां यात्री निवास में तारीख़ 31 शाम 6 खां राति जो 10 बजे ताईं चेटीचंड मेलो यानि झूलण जी जोति मल्हाए रहियो आहियां। हिन साल बि पिणु अलॻि अलॻि नवनि नवनि कलाकारनि खे घुरायो वियो आहे भारत जे अलॻि अलॻि कुंडनि खां। हिन साल अची करे हुन मेले जी शान वधाईंदा। मां तव्हांखे निवेदन थो कयां त महिरबानी करे हिन मेले में अची करे झूलण जी जोति जे प्रोग्राम में अची करे सिंधियत जी शान वधाईंदा ऐं प्रोग्राम जी शान वधाईंदा। जय झूलेलाल। जय महाराष्ट्र। आयो लाल कयो झूलेलाल। ढोल ताशों के साथ 29 मार्च को उल्लासनगर 1 के झूलेलाल मंदिर से उल्लासनगर 5 के पूज्य चालिया साहेब मंदिर तक चेटीचंड महायात्रा का आयोजन किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे शहर के ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश से संत महात्मा पहुंचेंगे इस चेटीचंड महायात्रा में शामिल होने के लिए। आपके लिए शहर वासियों के लिए हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करेंगे संत महात्मा। तो हमारी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपने घरों से निकलकर 29 मार्च को चेटीचंड महायात्रा में भाग लें।
ख़ुशी दिल सां हर सिंधी झूलण जो नालो खणे तो मिलियो मौको अहर सुनो हर सिंधी हिक बे सां नचे ए मिले तो प्यार ही प्यार सब जे अंदर जो आयो आ लाल जा सजन बहराणा सिंधन जी शान वदिया दीन दयाल दया जो समुंदर झूले 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 जय झूलेलाल जय झूलेलाल चेटीचंड महायात्रा समिति के सभी मेंबरन के पारा तमाम सभी के चेटीचंड नए साल जो लख लख वाधाई तो वरी अची वो है असा सभी सिंधियों जो महान पर्व चेटीचंड चेटीचंड यानी असा सिंधियों जो नव साल अचो इन नए साल की धूम मचायूं चेटीचंड महायात्रा के इन वे पर्व में शामिल थी करे जय झूलेलाल चेटीचंड महायात्रा समिति में मां किशोर पिंजानी ए खुशी पमनानी असनी के विनती था क्यों तो इंदर 29 तारीख से बुधर डी चेटीचंड महायात्रा में सब शामिल थी करे सिंधियत शान वधाइन ये महायात्रा बाबू लीलाराम साहब मंदिर का वी 5 नंबर 40 साहब मंदिर तई होंगी ए सब मिली करे शान वधाई जेको चवंदो झूलेलाल खुश रहंदो सजो साल चेटीचंड महायात्रा जो ही नव साल गुजरियल नव साल चेटीचंड महायात्रा जा तमाम सुठा गुजरिया और इन दफे ही नव साल उम्मीद है त उन खां वधीक सुठो गुजरंदो जय झूलेलाल चेटीचंड महायात्रा समिति तरफा मां दिनेश लहरानी सभी शहरवासियों के अपील तो क्या कि सिंधियों के इन महाकुंभ जे मेले में अची करे शिरकत दींदा और सिंध तो ही शान वधाईंदा जय झूलेलाल जय झूलेलाल चेटीचंड महायात्रा समिति पारा मां कुमार मुल्तानी सभी शहरवासियों के विनती तो क्या तो इन महायात्रा में दही महायात्रा में शामिल थी करे सिंधियों जो शान वधाईंदा जय झूलेलाल जय झूलेलाल झूलण साई संतन महात्माओं जी आशीर्वाद ए दादा कमल पिंजाणी जी प्रेरणा सा हन साल एक दफो वड़ी चेटीचंड जी मौके ते जय झूलेलाल चेटीचंड महायात्रा निकरी रही है मां अशोक पिंजाणी ए मुझे साथी अशोक जामनानी बाबू क्लासिक पारा सभी शहरवासियों के या
वेनती है तो महायात्रा में शामिल थी करे सिंधियत शान बुलंद कदा। महायात्रा 29 मार्च बुधर सुबह 11 बजे असां सभी के वेंदी था क्यों व्यापारी भावरन के तो हु पैंजा दुकान सजाए रखंदा ए भक्तन के लिए प्रसाद पानी जो बंदोबस्त करे रखंदा ए सब प्रेमी भी महायात्रा में शामिल थी करे सिंधियत जो शान बुलंद कंदा। आयो लाल चओ झूलेलाल तो ये था हमारा क्लासिक 24 का चेटीचंड का लेटेस्ट एपिसोड। हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगा हमारा ये एपिसोड हमारी दी गई हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। हम फिर मिलेंगे आपसे शहर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।